हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक शॉर्ट क्विक एनर्जी अपडेट लेकर आपके पर्सन की, और आज हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी में वो क्या सोच रहे हैं। ये एक शॉर्ट क्विक और इमीडिएट रीडिंग होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा कि मैं रेगुलर बेसिस पर जो टाइटल्स पर रीडिंग बनाती हूँ उसके साथ मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूं जिसमें आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट हो। तो आज इस क्विक एनर्जी अपडेट में हम चेक करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी क्विक एनर्जी अपडेट, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फायर साइन अगेन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन इस वक्त उनके माइंड में उनको डेस्परेटली एक सुकून की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि लाइफ में पीस आ जाए, अमन आ जाए, चीज़ें जो हिलजुल हो रही हैं वो ठीक हो जाए। मुझे किसी हद तक लग रहा है कि आपके पर्सन एक फेस को कंप्लीट करने ही वाले हैं। उनके जहन में मुस्तकिल एक चीज़ का जो साइकिल चलता चला जा रहा है, जिसके अंदर उनकी लाइफ सेटल नहीं होती हुई नज़र आती। कभी कभी उनको ये लगता है कि वो प्लान कुछ करते हैं, हो कुछ रहा है, और काफ़ी हद तक अब एक एग्जॉस्ट फीलिंग में भी हैं। लेकिन अब तक वो स्लो पेस पर जितना चल रहे थे, जैसा भी चल रहे थे, वो उस पेस पर चलने में बिल्कुल राज़ी भी हैं। बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल्स से वो किसी फ्रूट का वेट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर, किसी प्रॉपर्टी पर, किसी आइटम पर, कहीं इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट का वो वेट कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। उन्होंने लिटरली ये सेंस किया है, ये फील किया है कि ये काम ज़रूर उनका हो जाएगा, बिकॉज विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद द हाई प्रीस्टेस वो ये इंट्यूट कर सकते हैं, और ये मुस्तकिल अपने आप से एटलीस्ट वो पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी सोचों में पॉजिटिविटी है। ऑल्दो विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स उनको लगता है कि कभी डायरेक्शन कहीं जाती है, वो प्लान कुछ करते हैं, हो कुछ जाता है, बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिसमें उनकी जिसे कहना चाहिए बैक एंड फोर्थ उनकी सोचें बहुत हैं। उनका छोटा सा भी काम हो तो उनका बस नहीं चलता कि वो फ़ौरन से उसको एक बड़े नाम दे दें। उनकी छोटी सी चीज़ नहीं होती तो उनका बस नहीं चलता उसको फ़ौरन से वो कर दें और पूरा कर दें। और आजकल उनकी सोचें बिल्कुल इसी तरह की हुई हुई हैं। वो बैलेंस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बैलेंस से ज़्यादा वो सुकून लाना चाहते हैं। वो लिटरली चाहते हैं कि शायद आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है और अब उनकी बारी है कि वो आपको कुछ ना कुछ दें, कुछ ना कुछ करें। एंड विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि ये हार्मनी में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के सुकून का, लाइफ के सुकून का, जो कि मटीरियल से रिलेटेड है, जो कि पैसे से रिलेटेड है, उनको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस पैसे आने चाहिए, लाइफ का साइकिल अब चेंज हो जाना चाहिए। बिकॉज़ कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, कभी कभी वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप को गेयर अप करते हैं और विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स वो उस दिन का वेट कर रहे हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, आप उनको शायद बहुत ज़्यादा हिम्मत दिलाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेट्स सी कि सोल लेवल पर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सोल लेवल पर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। Give me a second. Keep an open mind. Reconciliation. शायद आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, heart to heart conversation. बातचीत नहीं कर रहे हैं और फौरन ही यहाँ पर आ गया। आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और सोचों में मुस्तकिल आप उनके हैं। वर्थ वेटिंग फॉर से बिल्कुल कंप्लीट ये कंफर्मेशन हो गई कि आपके पर्सन अगर कुछ भी सोचते हैं तो गलत नहीं सोचते। उनको पेशेंस से मूव करना आता है। आपसे कन्वर्सेशन करने का मकसद ये है कि आप एक वाहिद इंसान हैं जो उनकी बात समझते हैं। ये कल भी यही रीडिंग निकली थी और आज भी यही रीडिंग निकली है। आपके पर्सन आप पे रिलाई कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आपसे पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से जुड़ना चाहते हैं और आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। लेट्स सी के एंजल आंसर्स क्या हैं। एंजल की तरफ से आपके पर्सन के लिए क्या एडवाइस आ रही है या वो क्या सेंस कर सकते हैं। लेट्स सी एंजल की तरफ से क्या आंसर है। यस, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं,
आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं, आंसर उसका येस है। ये एक शॉर्ट रीडिंग थी। टेक केयर, बाय बाय।